मतलब वेटेज बढ़ा है, सारी यूनिट में सेकंड रैंक ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो दिमाग में रखिएगा वेटेज बहुत अच्छा है। आओ नेक्स्ट, पहले चैप्टर इस यूनिट के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th के पहले चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से तीन क्वेश्चन है, दो से तीन पूछे जाते हैं, मतलब वेटेज उतना ही चाहिए। देखो इसमें से क्या क्या पूछा गया है। पहला पूछा है इसने कि जो वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ प्लांट है ना, उसमें पॉलिनेशन या परागण कैसे होता है, तो इंसेक्ट या विंड से होता है कि सर कहां दिया है। ये देखो पेज नंबर 29 पे दिया हुआ है। ये रहा देखो एक्वेटिक प्लांट हाइसिंथ एंड वाटर लिली, इनके आपके जो फ्लावर है वो वाटर से अबव रहते हैं, इस वजह से इनका पॉलिनेशन इंसेक्ट और विंड की हेल्प से हो पा रहा है, नहीं तो नॉर्मली एक्वेटिक प्लांट का होता नहीं है उसकी हेल्प से। आओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो अगला पूछ रहा है कि जो ओव्यूल है ना वो फ्यूनिकल से जहां कनेक्ट होता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। ये देखो डायग्राम से आंसर आता है इसका, ये डायग्राम दिख रहा है, थ्योरी में भी है डायग्राम में भी है, मैं आपको पहले डायग्राम वाला एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। ये देखो यहां पर ये हो गया आपके, यहां पर ये हो, देखो कौन कौन सी स्ट्रक्चर देखनी है, ओव्यूल फ्यूनिकल और हाइलम। ये देखो ये ओव्यूल, ये फ्यूनिकल और ये हाइलम, इनके बीच में ये रहा हाइलम जहां मैं रेड कलर से डार्क कर रहा हूं, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला पॉइंट आपको डायग्राम में भी मिला, आप थ्योरी में भी देख लो। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड द हाइलम। देखो डिट्टो लाइन उठाइए अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका पूछा गया है, ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन, और पता है इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगा समरी में, थ्योरी में भी दिखा सकता हूं पर जानबूझ के समरी में दिखाऊंगा ताकि आप एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर की समरी को भी पढ़े। देखो ये कह रहा है कि प्लांट के ऐसे पार्ट्स के सेट को सेलेक्ट करो जिसमें दो जनरेशन साथ में एक दूसरे के अंदर दिख रही है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि गैमेटोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट हमें किसमें देखने को मिल रहा है। तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन जाएगा इसके अंदर, पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, तो एन में देखो 2n हो गया, इसी तरीके से सॉल्व करना चाहिए। और दूसरा कौन सा हो गया, ये रॉन्ग है, ये देखो एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, देखो इनके प्रूफ कहां है, मैं जानबूझ के इनके प्रूफ आपको समरी में दिखा रहा हूं। देखो समरी में दिया गया है कि पॉलन ग्रेन्स जो है ना ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होता है, और फिर इसी में आगे दिया हुआ है आपके, कि पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, तो पॉलन ग्रेन आ गया गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोरेंजिया की सेल्स, मतलब उसकी मदर सेल्स कैसी मिलेगी हमें, डिप्लॉइड मिलेगी, मतलब स्पोरोफाइट हो गया। देखो समरी के अंदर ही अगली चीज दी गई है, वो कौन सी, कि जो ये एम्ब्रियो सैक है वो फीमेल गैमेटोफाइट है, और ये स्ट्रक्चर जिसके अंदर मिलेगी वो स्पोरोफाइट होगी। तो अगर आप समरी को भी अच्छे से पढ़े तो भी आपके आंसर सही हो सकते हैं, वैसे थ्योरी में इसको और डिटेल में दिया भी गया है। मेरे अकॉर्डिंग फिर भी ये टफ क्वेश्चन था, हर बच्चे से नहीं हो सकता। आओ नेक्स्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, अच्छी बात है। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं कॉलम फर्स्ट के अंदर, इनसे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, मैच करना है। पहला प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा से एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन रिलीज होता है। दूसरा जोना पेलुसिडा एक लेयर होती है ओवम की। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड ये क्या करती है, पेनिस का लुब्रिकेशन करती है, ये यूरिनरी पाथवे को क्लीन भी करती है, याद करो राजा से पहले रास्ता साफ करने वाली। फिर उसके बाद लेडिक सेल एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती है। देखो ये सारी इंफॉर्मेशन कहां कहां है, देखो पहली इंफॉर्मेशन ये रहा, लेडिक सेल सिंथेसाइज द टेस्टिकुलर हार्मोन और द एंड्रोजन जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है। फिर अगली इंफॉर्मेशन देखो, एरी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड
ये बल्बो इथर ग्लैंड क्या कर रही है, हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ये आ गया सेकंड ऑप्शन, ये सब एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट है भाई साहब। नेक्स्ट देखो एचसीजी कौन रिलीज कर रहा है, प्लेसेंटा, थर्ड ऑप्शन। और फिर देखो ये फोर्थ ऑप्शन, सेकेंडरी ऊसाइट की लेयर है जोना पेलुसीडा। क्यों भाई, चारों की चारों लाइनें देखो पूरे चैप्टर में अलग अलग जगह पर दी हुई थी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए, उसका मैं कारण समझाऊंगा विद डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। इसमें पूछा गया है कि जो ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग होता है ना ग्राफियन फॉलिकल से, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो यहां आंसर गया हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। क्यों गया पता है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ LH ऑप्शन में ही नहीं है, वो ऑप्शन में होता तो वो बेटर चॉइस होता। अब देखो सर हम कैसे लिंक करें, का आंसर देखो यहां दिया है, प्रूफ देखे एनसीईआरटी का पेज नंबर 51 पर, पेज नंबर 51 पर दिया गया है। सबसे पहले कि जो LH और FSH बढ़ रहे हैं ना, उसमें भी स्पेशली FSH के बढ़ने से कौन पीक पे आता है, एस्ट्रोजन पीक पे आता है। एस्ट्रोजन के पीक पर आने के बाद LH सर्ज होता है, क्योंकि वो उसको पॉजिटिव फीडबैक देता है और उससे होता है ओवुलेशन। तो एस्ट्रोजन ने LH बढ़ाया, LH से ओवुलेशन हुआ। जब LH वाला ऑप्शन नहीं है तो आप एस्ट्रोजन वाला सेलेक्ट कर लोगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि जो सेकेंडरी ऊसाइट है ना, उसमें मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कब होगा। ये तब होगा जब फर्टिलाइजेशन शुरू होगा, जब स्पर्म फ्यूज होगा ओवम के साथ, उसके बाद ही होता है सेकेंडरी डिवीजन मियोसिस का। ये कहां लिखा है, ये देखो पेज नंबर 51 के नीचे 52, और इस 52 की स्टार्टिंग लाइन में ही देख लो, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल। वो काम की लाइन नहीं है, ये फर्टिलाइजेशन टॉपिक में दिया हुआ लाइन है, मतलब फर्टिलाइजेशन शुरू होगा उसके बाद मियोसिस सेकेंड होगा, अगेन एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन। आओ नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दो क्वेश्चन, सस्ता सुंदर चैप्टर, दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, सबसे मस्ती की बात है। देखो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन सी है, गोनोरिया है, सिफिलस है और जेनिटल हर्पीज है। लाइन ऐसे कैसे मिलेगी एनसीईआरटी में, उधर कैंसर नहीं है, इधर मलेरिया नहीं है और इधर आपके मलेरिया नहीं है। वैसे मैं रॉन्ग ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं कर रहा टाइम बचाने के लिए। देखो एसटीडी के अंदर गोनोरिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्पीज तीनों एक साथ दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ये बच्चों को हार्ड लगा, पर पता है एनसीईआरटी याद होती तो हार्ड नहीं लगता। ये बोल रहा है कि वो कौन सी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी है जो वो फीमेल जो कंसीव नहीं हो पा रही है उनके लिए हेल्पफुल है। आंसर जिफ्ट एंड आईयूटी है। देखो एक्सप्लेनेशन में ये कहां पर है, ये देखो जिफ्ट पेज नंबर 64 पर, जिफ्ट जायकोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ये किन में हेल्प में है, ये देखो could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive, as it in line the as it is lines दी हुई है। फिर जरूरी है कि एनसीईआरटी की हर लाइन याद हो। आओ नेक्स्ट, ये यूनिट पूरी हो गई तो इस यूनिट का आपका टोटल वेटेज हो जाता है रिप्रोडक्शन वाले का एट क्वेश्चन, मतलब एवरेज से थोड़ा कम, चैप्टर भी तो कम ही थे ना। फिर नेक्स्ट यूनिट सबसे ज्यादा वेटेज वाली यूनिट, इस यूनिट को जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में करा रहा था ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, मैं इनके चैप्टर में लेता हूं ज्यादा टाइम, मैंने ज्यादा टाइम बायोमोलिक्यूल्स में लिया, जेनेटिक्स में लिया, एमबीआई में लिया, बायोटेक में लिया। बच्चों ने किया ऑब्जेक्शन कि सर क्यों ज्यादा टाइम ले रहे हो, मैंने तुरंत क्या जवाब दिया, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा है। हमारा प्रिडिक्शन ऑलरेडी था कि इनके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और देखो सच में आए हैं। जिन बच्चों ने क्लासेस ली हुई है टारगेट बैच वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुछ बच्चे तो और ही गए सर इस चैप्टर में तो टाइम थोड़ी लगता है, मैंने क्या बोला था, अरे वेटेज ज्यादा है लल्ला, इसलिए ज्यादा पढ़ाना हमें पसंद है। देखो जेनेटिक्स के पूछे उन्होंने, चार क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला एनसीईआरटी के शुरू के दो पेज में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जो ट्रू ब्रीडिंग्स लाइन थी ना पी प्लांट या मटर के प्लांट की, वो कितना पेयर में सेलेक्ट की थी मेंडल ने,
तो टोटल तो हुई थी 14, पेयर में देखे तो 7 होती है। देखो ये पेज नंबर 70 पर एनसीईआरटी में यहां दी गई है लाइन, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सपेक्ट फॉर द वन कैरेक्टर। एज पेयर क्यों बोला, मतलब 17 में से हर दो का जोड़ा था, 1-2 का जोड़ा, 3-4 का जोड़ा, 5-6 का जोड़ा, ऐसे। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा करेक्ट मैच है। अरे थैलेसीमिया कहां से एक्स लिंक्ड हो गई, हिमोफीलिया वाई लिंक्ड कहां से हो गई, एक्स लिंक्ड थी। चलो राइट आंसर बताता हूं। देखो सिकल सेल एनीमिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है जो क्रोमोसोम नंबर 11 पर है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर अपूर्ण की कॉपी में लिखवाया हुआ है, मैच कर लेना ओल्ड ईयर के बच्चों से। आओ देखो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहां दी है। देखो सिकल सेल एनीमिया के अंदर कहीं पर भी आपको क्रोमोसोम का डिस्कशन नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो थैलेसीमिया डिस्कस की गई है, और थैलेसीमिया में उसके क्रोमोसोम नंबर 16 और क्रोमोसोम नंबर 11 बता रखे हैं। तो जब एक डिजीज के क्रोमोसोम बता दिए ना, तो आप बाकी डिजीज के क्रोमोसोम भी याद करो, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोरिलेटेड डेटा कहते हैं इसको, कोरिलेटेड डेटा लिखवाया हुआ है कॉपी में, चेक कर लीजिए जाके। आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी का किसने किया। अरे भाई मॉर्गन ने किया, कहां लिखा है ये देखो, ये जो ड्रोसोफिला का डायग्राम है एनसीईआरटी में जहां पर, उसी के पास में दिया गया है द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय द थॉमस हंट मॉर्गन, हो गया इसका प्रूफ। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट के अंदर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये पूछ लिया है एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में क्या रॉन्ग है, बाकी राइट भी मैच कर लेना, आपको बुक में ही इसी चैप्टर की इसी लाइंस में मिलेगा। यहां ये कह रहा है व्हेन आईए एंड आईबी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। अरे सेम टाइप ऑफ शुगर एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी अलग अलग शुगर एक्सप्रेस करते हैं। आईए अपनी एक्सप्रेस करेगा, आईबी अपनी एक्सप्रेस करेगा, एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। आओ देखो कोडोमिनेंस में एनसीईआरटी के पेज नंबर 77 में ये कहां लिखा गया है। देखो ये यहां लिखा हुआ है, सबसे लास्ट लाइन देखना हाईलाइट की हुई, बट व्हेन आईए आईबी आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओवन टाइप ऑफ सुगर, दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। तो रिवर्स लाइन दे दी तो वो रॉन्ग हो गई। आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दोनों 11th 12th की एनसीईआरटी मिला लो तो हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर, इसीलिए हम इसको कराने में टाइम एक्स्ट्रा लगाते हैं रे बाबा। आओ नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन एमबीआई का, एमबीआई के पहले क्वेश्चन में ये पूछ लिया है कि ह्यूमन के एक सेल की डीएनए की टोटल लेंथ कितनी होगी। भिड़ू होती है ये 2.2 मीटर। देखो बच्चे ने सॉल्व करके देखा है, अच्छी आदत कि रटा नहीं फालतू का। आओ देखो कहां दिया है ये, जहां हिस्टोन की फोटो दे रखी है आपके हिस्टोन ऑक्टामर की, न्यूक्लियोसोम की, उसके पास में देखो ये यहां कैलकुलेशन कर कुरा के लास्ट में ये देखो 2.2 मीटर आंसर निकाल के बताया है एनसीईआरटी ने खुद ने, निकाला नहीं होता तो भी आप कैलकुलेशन कर लेते। नेक्स्ट, नेक्स्ट में ये पूछ रहा है कि बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है, इसको आपको याद कराया था। देखो बच्ची ने ट्रिक लिखा हुआ हिस्टोन ला, एल फॉर लाइसिन, ए फॉर आर्जिनिन, इस ट्रिक से सॉल्व हो गया लाइसिन आंसर। देखो कहां लिखा गया है, पेज नंबर 99 एमबीआई के अंदर, हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये ऐसे सॉल्व होता है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इस बच्ची के गलत किया हुआ है, ये अधिकतर बच्चों ने गलत किया है, मैं गारंटी लेता हूं। देखो क्या है इसके अंदर, यहां ये कह रहा है कि वो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के ओपनिंग, डीएनए की हेलिक्स के ओपनिंग को सपोर्ट करता है, किस वक्त, ट्रांसक्रिप्शन के वक्त, और बच्चे आंसर दे आए रेप्लिकेशन वाला। देखो इसने भी गलत किया है, डीएनए हेलिकेज नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज होगा, एक ट्रिक और काम करती है, ट्रांसक्रिप्शन में तो आरएनए बनेगा ना, तो देखो चारों ऑप्शन में से एक ही आरएनए वाला है, डीएनए 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 हो ही नहीं सकते रे बावली बूच। आओ देखो पेज नंबर 106,
106 पर मैटर को याद करके जो आंसर दे के आए हैं ना, वो रेप्लिकेशन के अकॉर्डिंग दे आए, वो गलत कराए। ये गलत करने वाले बच्चों का पेज है, ये भी गलत करने वाले बच्चों का पेज है। यहां पर रेप्लिकेशन के डेटा है। ये देखो ट्रांसक्रिप्शन वाली लाइन, देखो ट्रांसक्रिप्शन वाला पेज है पेज नंबर 109, और उसके अंदर देखिए जहां मैं बता रहा हूं, देखो ऊपर बात किसकी कर रहा है, ये ऊपर ये देखो बात कर रहा है आपके डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहा है। और नीचे देखो इट सम हाउ ऑल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यूस इलोंगेशन। ये खुद आरएनए पॉलीमरेज ओपनिंग ऑफ हेलिक्स को फैसिलिटेट करता है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट आगे चलो, आगे चलते हैं तो पता चलता है कि मैच द कॉलम करा रिया है। इसमें से करेक्ट कौन सा है, लाइगेज वाला, ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये डीएनए के दो मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच कराता है। पता है तीन तीन चैप्टर में आंसर है इस क्वेश्चन का एनसीईआरटी में। कहां कहां देखो, एमबीआई में दिया है, बायोटेक में दिया है, एंजाइम्स में दिया है, इन सब में दे रखा है, मतलब कि बायो मॉलिक्यूल्स में दिया है। तीनों चैप्टर का कॉमन पॉइंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। देखो कहां है, द डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट्स आर लेटर ज्वाइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज कनेक्ट करता है इनको। सर आपने इसको एमबीआई में क्यों बताया है, क्योंकि इसके बाकी जो ऑप्शन है ना, एक्सोन्यूक्लियेज पॉलीमरेज और न्यूक्लियेज, ये आपको एमबीआई में मिलते हैं, इसलिए मैंने इसको एमबीआई का बताया है। नेक्स्ट नेक्स्ट में कह रहा है कि फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन कौन सी है। ये भी मेरे अकॉर्डिंग टफ क्वेश्चन, पिछला वाला भी मेरे अकॉर्डिंग टफ क्वेश्चन। क्यों, कारण समझाता हूं। पिछला वाला तो ट्रिक की वजह से टफ हो गया, ये वाला टफ हुआ है दो फर्स्ट फर्स्ट की वजह से। मैं दोनों चीज बताऊंगा। देखो यहां ये फर्स्ट फेज कह रहा है, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन नहीं कह रहा। कि सर इसमें अंतर क्या हुआ, अभी समझा दूंगा। देखो इस बच्ची ने आंसर किया बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू द राइबोसोम। अरे ये तो बहुत बाद में होता है, ये तो थर्ड फेज में होता है। ट्रांसलेशन की थर्ड फेज खुद ट्रांसलेशन होती है, पर जब फर्स्ट फेज को पूछे ना तो फर्स्ट फेज होती है अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, यहां इसके किया हुआ। अब देखो अच्छे से देखना ट्रांसलेशन के अंदर, देखो देयर फोर इन द फर्स्ट फेज इट सेल्फ अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिविटी एंड लिंक्ड टू द देयर कॉग्नेट टीआरएनए प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और द अमीनो एसाइलेशन ऑफ द टीआरएनए। फर्स्ट फेज वर्ड बोला है, थर्ड फेज आती है खुद ट्रांसलेशन, और उसका पहला स्टेप होता है एमआरएनए का और राइबोसोम का आपस में अटैच होना। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा, ये टफ माना जाएगा। ये देखो यहां लिखा हुआ है, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर द एमआरएनए दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिंस। तो बच्चे इसके भरोसे आंसर गलत कर रहे, पर ये खुद ही थर्ड फेज है रे। ये जिसको याद था उसने ये आंसर सही किया है। ये पेज नंबर 115 और पेज नंबर 114 दोनों पर दी गई इंफॉर्मेशन से सही होता है भाई। आओ नेक्स्ट, इवोल्यूशन चैप्टर, चार क्वेश्चन का वेटेज। कितने क्वेश्चन का, चार क्वेश्चन का वेटेज भाई साहब। पहले कुछ चैप्टर का चार, दूसरे का पांच, तीसरे का चार, पांच चार नौ और चार तेरह। अरे तेरा नहीं, मेरा, मेरा कौन कह रहा है, ये एमबीआई जेनेटिक्स की यूनिट कह रही है कि मैं फर्स्ट नंबर पर हूं यूनिट वेटेज के अंदर। चैप्टर भली कम हो, क्वेश्चन खूबम खूब पूछे गए हैं, और एमबीआई के क्वेश्चन, जेनेटिक्स के क्वेश्चन तो पिछले कई सालों से खूब सारे पूछे जा रहे हैं। आओ नेक्स्ट, इस इवोल्यूशन के पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन ने पूछा है कि जो मिलर का एक्सपेरिमेंट है ना, उसके अंदर उस फ्लास्क में क्या क्या होता है। ये इजी क्वेश्चन, क्या होती है, मिथेन, H2O और अमोनिया होती है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखो कहां लिखा गया है ये इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन को लिखा गया है पेज नंबर 127 पर। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग मिथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहां दिया गया है इस प्रूफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन था टोटली MTR, मारो टोटल रट्टा। इसके अंदर पूछा गया था कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है ना, इसके अंदर पूछा गया था कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है ना, उसको डिसअप्रूव करने वाला साइंटिस्ट कौन था। ये था आपके कार्ल अर्नेस्ट वॉन बीयर,
और ये दिया गया है आपके पेज नंबर 129 पर. दिस प्रपोजल वॉज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय द कर कॉल्ड अर्नेस्ट वॉन बीयर. तो ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन. और ये तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि अगर कोई साइंटिस्ट का और अगर कोई डेटा बेस्ड डिजिट बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है ना, वो तो आप कंफर्म मान के चलो एनसीईआरटी का ही पूछेंगे, बाकी किसी का नहीं पूछेंगे. फिर देखो नेक्स्ट इवोल्यूशन के नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के एग्जाम्पल कौन से हैं जिसके अंदर एनवायरमेंट के अंदर चेंज आए हैं. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, ह्यूमन से इंड्यूस मैन मेड जिसका कारण इंसान खुद हो. तो उसके अंदर कौन कौन से, देखो डार्विन फिंचे जेलोपेगोस में ह्यूमन की कोई पंचायती नहीं थी, नेचुरली अपने आप हुआ फीडिंग हैबिट्स की वजह से. हर्बिसाइड रेजिस्टेंट यस, ड्रग रेजिस्टेंट यस, और डोमेस्टिक एनिमल की क्रॉस ब्रीड्स बनाना वो भी यस, ये सब मैन मेड एक्शंस है. इसलिए आंसर हो गया बी सी एंड डी. ये देखो एनसीईआरटी के पेज नंबर 132 पर. अब मैं इतना लंबा छोटा रामायण पढ़ने नहीं वाला हूं, आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके. इसमें तीनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तीनों के तीनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं. नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में ये पूछ रहा है कि पेंगुइन के जो फ्लिपर्स है और जो डॉल्फिन्स के फ्लिपर्स है ये आपस में किसका एग्जाम्पल है. वेरी कॉमन वेरी इजी, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. क्यों, क्योंकि दोनों के फंक्शन सेम है पर दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है. कौन से हो गए, एनालोगस. कन्वर्जेंट और एनालोगस की देखो ये यहां पर लाइन दी हुई है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. और फिर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग एनालॉगी के एग्जाम्पल में क्या आता है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन. देख लो आपको ये डायग्राम्स याद हो गए एनसीईआरटी के, उसी के साथ में यहां पर ये आपके पेंगुइन और डॉल्फिन के डेटा दिए गए हैं. आओ नेक्स्ट ह्यूमन एंड हेल्थ एंड डिजीजेस के तीन क्वेश्चन. नेक्स्ट यूनिट में आ गए हम. पिछली यूनिट का टोटल वेटेज हो गया था 13 क्वेश्चन, हाईएस्ट वेटेज था उसका, और पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू रह रही है वो टॉप 2-3 के अंदर, तो आगे भी बनी रहेगी, ध्यान रखना इस बात को भी. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के तीन क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम जो है ना ह्यूमन में इन्फेक्शन किस स्टेज में करता है, स्पोरोजॉइट में करता है. ये देखो डायग्राम में लिखा पड़ा है, पेज नंबर 148 पे दिया गया है ये डायग्राम. व्हेन मॉस्क्यूटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजॉइट्स आर इंजेक्टेड विद द बाइट. तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर इस बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कम आए, पेपर में डायग्राम तो थे ही नहीं. अरे लल्ला थ्योरी वाले क्वेश्चन भी डायग्राम की थ्योरी से, डायग्राम के इंडिकेशन से निकाल के पूछ लिया आपको, तो डायग्राम की वेटेज तो है पूरी अभी तक भी. फिर देखो मैथ्स तो कॉलम कराया है, अलग अलग डिजीज दी है और डिजीज के कॉजेटिव एजेंट बताने हैं. तो पहला है टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफीमूरियम, निमोनिया होता है आपके हिमोफिलस, फाइलेरियसिस होता है वाउचेरिया प्रैंकोप्टाई, और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम. ये सब एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में. फिर बोलूं मैं कि डेटा और एग्जाम्पल के क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी के ही जाते हैं रे बाबा. देखो नेक्स्ट पेज नंबर 146 में, इसके बहुत सारे पेज पे हर डिजीज का अलग अलग है. देखो इस पे टाइफॉइड का दिया हुआ है साल्मोनेला टाइफी. फिर देखो नेक्स्ट दिया हुआ है वाइचो वाउचेरिया का फिलेरियन वर्म. फिर नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है मलेरिया का प्लाज्मोडियम, और नेक्स्ट आपके इधर ये रहा हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोनिया का. तो इस तरीके से सारे डिजीज के कॉजिटिव एजेंट एनसीईआरटी से अगेन. फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि इम्यूनिटी के बारे में कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है. देखो बच्ची ने सही किया, ये भी एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स. पता है फिर से एक वर्ड में चेंज किया इसने एनसीईआरटी के, ये राइट आंसर नहीं था, मतलब ये आंसर राइट है पर स्टेटमेंट रॉन्ग है. क्यों, देखो एनसीईआरटी के अंदर जहां हेडिंग एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी दी हुई है ना, वहां एक्टिव इम्यूनिटी के पास देखो एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू गिव फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स. ये फास्ट नहीं होती, एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है. याद करो वो आपने डबल रिस्पॉन्स वाला ग्राफ पढ़ा हुआ होगा, टाइम लगता है इस इम्यूनिटी के अंदर. आओ नेक्स्ट
नेक्स्ट आई आपका चैप्टर स्ट्रेटजी फॉर द फूड एनहेंसमेंट. इसके अंदर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, वेरी वेरी कॉमन सा पूछा गया है कि जो न्यू ब्रीड हिसारडेल है ना शीप की, जो बीकानेरी ईव जहां का मैं हूं, जो बीकानेरी ईव एंड मरीनो रेम्स के आपस में क्या करने से बनाई गई है, क्रॉस ब्रीडिंग या संकरण करने से बनाई गई है. ये देखो यहां एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट में क्रॉस ब्रीडिंग हेडिंग है और नीचे ये देखो हिसारडेल एग्जाम्पल दिया है. लैंग्वेज भी बिल्कुल वो की वो है. नेक्स्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 1+2 सिंगल सेल प्रोटीन वाला क्वेश्चन आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कवर करा दिया, इसलिए वो 1 और इसके 2 मैं आपको यहां और दिखा देता हूं. यहां पर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होता है ये पूछा गया है. देखो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटायरिकम सबसे इजी. मैं आपको बताया इस वीडियो के शुरू में बोला था ना कि मैथ्स तो कॉलम बहुत इजी थे, एक भी पता है तो आपको सारे आंसर आ जाएंगे. देखो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटायरिकम, ब्यूटायरिकम से कोई भी ब्यूटायरिक एसिड मैच कर लेगा. और देखो ए में सेकंड केवल एक ही में दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ. मतलब मैथ्स तो कॉलम वाले क्वेश्चन टफ भी थे तो भी इजी थे. फिर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इससे मिलता है आपको साइक्लोस्पोरिन ए, मोनोस्कस परप्यूरा से मिलता है आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला एजेंट. डिट्टो वर्ड उठाए हैं एनसीईआरटी के लिए भी. फिर एस्परजिलस नाइग्रस से मिलता है सिट्रिक एसिड. देखो कहां दिया गया है, देखो एसिड प्रोड्यूसर एस्परजिलस नाइगर दे दिया. फिर क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटायरिकम से ब्यूटायरिक एसिड दे दिया. फिर देखो एक अलग पेज पर एक अलग पैराग्राफ के अंदर यहां पर इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट दे दिया ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. और फिर देखो आपके ये रहा मोनोस्कस परपुरा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट. क्या कहा था, डिट्टो वर्ड उठाए गए हैं रे बाबा. आओ नेक्स्ट इसी चैप्टर का क्वेश्चन. ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा है वो जिसको आप एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर इंसर्ट करते हो. राइट आंसर इज एक्टिवेटेड स्लज. देखो कहां दिया है, पेज नंबर 184 पर दिया गया है. दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज. और देखो आगे दिया हुआ है द मेजर पार्ट ऑफ स्लज इज पंप्ड इनटू द लास्ट टैंक्स कॉल्ड द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. मेरे गले में खराश है इसलिए मेरी वॉइस टोन थोड़ा अलग आ रही होगी आज के वीडियो में. और नेक्स्ट अब इस यूनिट का टोटल वेटेज कितना हुआ आपके, 3+1+3 तो टोटल हो गया 6-7. 6-7 क्यों बोला, एक उधर करा दिया था आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, मतलब वेटेज कम है रे. नेक्स्ट यूनिट बायोटेक. सर 8 ही तो क्वेश्चन है, वेटेज कम है. अरे बावली बूझ, 2 ही चैप्टर और 8 क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है. बहुत ज्यादा कैचिंग स्कोरिंग यूनिट मानी जाएगी. 2 चैप्टर में से 8 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है. एडवांस यूनिट है और आगे भी इसका वेटेज बना रहेगा, इसीलिए क्लास में हम इन यूनिट्स में टाइम जानबूझ के एक्स्ट्रा लगाते हैं क्योंकि पता है क्वेश्चन ज्यादा आएंगे ही आएंगे. देखो अब यहां ये पूछ रहा है जो ई कोलाई स्टीरिया कोलाई R1 जो है ना उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा है. राइट आंसर है आपके 5 की तरफ से 5-3 डायरेक्शन में GAATTC. देखो ये रहा पेज नंबर 197 पर दिया गया है GAATTC. और पता है इसी चैप्टर में एक जगह पर और दिया गया है ये सेम आंसर, आप देख लेना एनसीईआरटी के अंदर, वो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, एक जगह का बहुत है. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो देखो रॉन्ग वाला ये है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय द इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस. अरे डीएनए सीक्वेंस के इंस्पेक्शन का काम तो डीएनए पॉलीमरेज करता है रे, ये एमबीआई चैप्टर में लिखा दिया जाता है. अब देखो बाकी सारे इसी के हैं, देखो स्टिकी एंड जुड़ते हैं लाइगेज से, लाइगेज वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है, देख लो एक ही पेपर में 2 बार रिपीट हो रहा है. फिर इसके अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, देखो पीछे ही आया था क्वेश्चन, तो पिछला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की हिंट दे रहा है आपको,
तो एक ही पेपर का पुराना क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन में सपोर्ट करता है इस तरीके से आपको। फिर देखो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूजफुल है, देखो बाकी तीनों स्टेटमेंट आपको यहां मिल जाएंगे। वो जो मैं कह रहा था ना एक जगह पर और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये देखो यहां दिया हुआ है पेज नंबर 196 पर, ये देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिया हुआ है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है, ये आगे आपके स्टिकी एंड और वालों का देख लेना। हो सकता है मैं यहां पर एक स्क्रीनशॉट भूल गया हूं, वो जो पीछे बोला था ना ये तीन पॉइंट एनसीईआरटी में वो सबके सब दिए हुए हैं, इसी डायग्राम के ऊपर नीचे ही दिए हुए हैं। आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या हो रहा है, नेक्स्ट में ये पूछ रहा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आप करोगे तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को किसकी हेल्प से देखोगे। कई बार याद कराया था बच्चों को, मेरे खुद के लैब में किए हुए एक्सपेरिमेंट के रियल फोटोग्राफ दिखाए थे और कहा था याद रखना एथिडियम ब्रोमाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पता है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अपनी ही टेस्ट सीरीज में दिए हुए क्वेश्चन में से आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है आप सब बच्चों के लिए जो ऑफलाइन क्लासों में पढ़े हो। तो इथिडियम ब्रोमाइड वाला पॉइंट देखो पेज नंबर 198 पर दिया हुआ है, विजुअलाइजेशन ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद द कंपाउंड नॉन एज इथिडियम ब्रोमाइड। क्यों याद है आपको क्लास में रियल फोटो दिखाया था। आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट में ये पूछ रहा है कि जो वेक्टर में लिंक्ड डीएनए है ना इसकी नंबर ऑफ कॉपी कितनी होगी ये कौन डिसाइड करेगा। आंसर इज ओरिसाइट। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये हर किसी से नहीं हो पाता। देखो कहां दिया है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी पेज नंबर 199 पर दिया हुआ है ये, द सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। अगेन उठाया ही देख लो सेम लाइन टू लाइन। फिर ये करा रहा है मैच द कॉलम, मैच द कॉलम बेसिलस सूरियंजिस, बेसिलस सूरियंजिस से मिलती, से मिलने वाली जीन से बनती है क्राई प्रोटीन। फिर थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है आपके टैक डीएनए पॉलीमरेज। फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये क्लोनिंग वेक्टर की फॉर्म में प्लांट्स में बहुत कॉमनली यूज होता है। फिर साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये आरडीएनए बनाने में हेल्प करता है। देखो ये इंफॉर्मेशन कहां है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 208 12th का। ये देखो बैसिलस थूरियंजिस से मिला है क्रिस्टल, क्रिस्टल से ही क्राई उठाया है इन्होंने और इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन ये बताया जा रहा है यहां पर। फिर देखो नेक्स्ट प्रूफ आपका एनसीईआरटी से ये रहा थर्मल एक्वेटिकस, थर्मल एक्वेटिकस से पॉलीमरेज मिल रहा है। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और ये टीडीएनए, मतलब कि एक वेक्टर क्लोनिंग की तरह, क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज आता है। देखो हेडिंग में दिया हुआ है वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन्स और नीचे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये हो गया इसका प्रूफ। देखो नेक्स्ट प्रूफ ये रहा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको चारों के चारों प्रूफ बता दिए है ना। तो इस चैप्टर की अलग अलग लाइन से क्वेश्चन उठाया है इन्होंने, ये अच्छी बात है। फिर देखो बैसिलस थूरियंजिस का फिर से रिपीटेशन हो गया कि जो बीटी कॉटन वेराइटी है ना जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन कराया है बैसिलस थूरियंजिस की टॉक्सिन जीन क्राई जीन का, ये कैसा प्लांट है, ये इंसेक्ट पेस्ट को मारने वाला प्लांट है, ये हो गया इसका राइट आंसर। फिर देखो ये कहां दिया है पेज नंबर 208, फिर से वही सेम पेज आ गया। देखो पहले भी आया था रेप्लिकेशन वाली जगह पर, आर्थोपोडा वाली जगह पर, और तीसरी बार यहां आया है कि एनसीईआरटी के एक ही पेज से दो दो क्वेश्चन उठाए गए हैं। भाई एग्जामिनर ने मान लो पेज खोला उसको उसमें दो इन्फॉर्मेशन अच्छी लग गई तो बना देगा ना पेपर में एक ही पेज से दो क्वेश्चन, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है। तो देखो 208 पर ये देखो बीटी कॉटन बेसिलस थूरियंजिस और ये रहा इंसेक्टिसिडल प्रोटीन, इंसेक्ट को मारता है ये। आज और नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्वेश्चन में फिर से मैथ द कॉलम, मैथ द कॉलम में कह रहा है बीटी कॉटन देखो बेसिलस थूरियंजिस तीसरी बार रिपीट हो गया एक ही पेपर के अंदर। बीटी कॉटन किधर से मिला, बेसिलस थूरियंजिस से मिला। तो पिछला क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन भी सही कर दिया ना रे बाबा। एडिनोसिन डी एमिनेस डेफिशिएंसी में जीन थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हो, ये जेनेटिकल प्रॉब्लम है, आरएनए आई आरएनए इंटरफेरेंस है ये,
इसके अंदर सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म काम में आती है, जो नॉर्मली सब यूकैरियोटिक सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फिर देखो पीसीआर, पीसीआर की हेल्प से आप एचआईवी का डिटेक्टेशन कर लेते हो। ये कहां कहां दिया है देखो, पेज नंबर 209, देखो उसी पेज के आसपास घूम रहे हैं ये। देखो आरएनएआई, आरएनए इंटरफेरेंस, और देखो नीचे दिया हुआ है सेलुलर डिफेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं जीन थेरेपी टॉपिक की हेडिंग, और नीचे देखो कौन सी डिजीज, एडीए, एडिनोसिन डी अमीनेस डिजीज। फिर नेक्स्ट प्रूफ मॉलिकुलर डायग्नोसिस बाय पीसीआर, किसके लिए, एड्स के लिए, एचआईवी के लिए। तो आप एड्स और एचआईवी दोनों के डायग्नोसिस के अंदर किसको यूज कर सकते हो, पीसीआर को। क्यों? क्योंकि छोटे से सैंपल के डीएनए के अमाउंट को बढ़ा देगा। हो सकता है अगली बार नीट के पेपर तक अगर एनसीईआरटी अपडेट हो गई तो इसमें कोरोना भी इंक्लूड हो जाएगा। कोरोना महामारी में भी तो पीसीआर का एक स्पेशल टाइप है, आरटीपीसीआर, रियल टाइम पीसीआर, उसी से डायग्नोसिस हो रहा है रे। आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है, मतलब कौन सा रॉन्ग है। तो सीधा आ जाओ, फंक्शनल इंसुलिन ए और बी चेन के बीच, फंक्शनल इंसुलिन की ए और बी चेन के बीच ये कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड है। अरे ना रे लाला, सल्फर बॉन्ड है, देखो आगे आएगा। ये देखो डायग्राम में भी सल्फर दिखा रखा है, मैं देखो जूम करके दिखाता हूं आपको। ये देखो एक सेकंड रुको, जूम हम जूम करते हैं, जूम नहीं हो रहा, चलो देख लो। ऐसे ये छोटे छोटे है ना, वो सल्फर ही है, छोटे छोटे सल्फर ही है। देखो थ्योरी में कहां लिखा हुआ है, चैन ए चैन बी आर लिंक टूगेदर बाय डाई सल्फाइड ब्रिजेज, डायग्राम में भी दिखाया, थ्योरी में भी दिखाया। नेक्स्ट, अब आगे इकोलॉजी, इसका वेटेज किया है कम, 7 क्वेश्चन कर दिए। नॉर्मली 9 से 10 आराम से आते हैं, पर फिर भी अगर इसमें 4 ही चैप्टर है और हर एक में से मिनिमम अराउंड लगभग 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी चलेगा, इतना वेटेज भी अच्छी बात है रे बाबा। देखो इसके अंदर 103 वाला इस सीरीज का जो क्वेश्चन था इकोलॉजी का पहला, इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट या कैरेक्टर पॉपुलेशन का नहीं है, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है वो पॉपुलेशन का नहीं है। देखो सेक्स रेशियो होता है पॉपुलेशन में, नेटलिटी होती है, मोर्टिलिटी होती है, ये भी क्रॉस मेथड से करने वाला क्वेश्चन था कि हमें पता है कि ये तीनों होते हैं तो स्पीसीज इंटरेक्शन पॉपुलेशन में नहीं होगा, स्पीसीज इंटरेक्शन किसमें होगा, कम्युनिटी लेवल पर होता है रे बाबा। ये देखो कहां दिया है, देखो पेज नंबर 227 और 232, 227 और 232 पर दो प्रूफ मिलेंगे इसके। देखो यहां पॉपुलेशन के बारे में बताया हुआ है, बर्थ रेट होती है, डेथ रेट होती है, ठीक है। और देखो आगे कम्युनिटी वाला जो टॉपिक दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में, जो लिखा हुआ है ऊपर की तरफ पीछे, देखो उसमें लिखा हुआ है ये रहा आपके इंटर स्पेसिफिक इंटरक्शन, भाई ये कम्युनिटी के कैरेक्टर्स में दिया हुआ है। तो देखो रॉन्ग वाली चीज भी एनसीईआरटी के पेज में थी। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में इसने क्या पूछा, अगले क्वेश्चन ने ये पूछा कि मान लो कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, घास का पारिस्थितिकी तंत्र है, तो उसमें ट्रॉपिक लेवल्स में पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे कौन आएगा। देख फ्लो चार्ट एंड डायग्राम से आंसर निकलेगा इसका। सबसे पहले फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आएगी, ग्रास प्रोड्यूसर होती है। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर आएगा रैबिट, हर्बीवोरस होता है, शाकाहारी होता है। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर आएगा क्रो, कागला। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर आएगा आपके वल्चर या गिद्ध, क्योंकि वो उसको भी खा लेता है। देखो ये कहां दिया गया है, पेज नंबर 246 पर, पेज नंबर 246 पर ये देखे आपके प्रोड्यूसर या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ग्रास है, सेकंड में आपके क्रो है, उसकी जगह पर आप अपने क्वेश्चन में क्या ले लिए, रैबिट ले लिए। भाई जैसे काऊ होती है आपके हर्बीवोरस, वैसे भी रैबिट भी तो हर्बीवोरस है ना रे बाबा। आओ देखो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में क्या दिया हुआ है, बर्ड फिश एंड वोल्फ, उस जगह पर कौन आ गया, ये क्रो आ गया। और इधर ये मैन एंड लॉयन के साथ में कौन आया, वल्चर आ गया। मैन एंड लॉयन के साथ में कौन आ गया, ये वल्चर आ गया। देखो अगेन ए में सेकंड केवल एक ही ऑप्शन में दिया है। मैथ्स द कॉलम के इस 2020 नीट एग्जाम की खास बात यही थी,
कि चारों के चारों एकदम एग्जैक्टली आने की कोई जरूरत नहीं है। ये आधा एनसीईआरटी में से मान लो क्वेश्चन, आधा एनसीईआरटी से बाहर का मान लो। वैसे कोई भी टीचर इन एग्जांपल्स के बिना पूरा नहीं करवाता, ये टॉपिक लिखवाए ही जाते हैं। आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट में इसने पता है क्या पूछा है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट होता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब एनपीपी से बड़ी होती है। देखो फॉर्मूला दिखा रखा है सिंपल सा, पेज नंबर 243 पे। देखो पेज नंबर 243 पे सीधा फॉर्मूला देख लो, जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी। भाई माइनस किया तभी तो एनपीपी आया ना, तो जीपीपी बड़ा हो गया। देखो फॉर्मूले से पता चल रहा है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में इकोलॉजी के। अब ये पूछ रहा है कि हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी कहां है। वेरी इजी क्वेश्चन, अमेजोन के फॉरेस्ट में। ये देखो यहां इस पेज पर दिया गया है जहां हेडिंग है पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी ऑन द अर्थ। आओ देखते हैं इकोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन को। इकोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इन्होंने पूछा है कि जो स्नो ब्लाइंडनेस होती है ना अंटार्कटिका रीजन में, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन है इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। इजी क्वेश्चन था, पेज नंबर 283 ऑफ 12th बायोलॉजी में दिया गया है। देखो हाई डोज ऑफ यूवी बी कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया कॉल्ड द स्नो ब्लाइंडनेस। इसमें भी अगेन सेम डिटो वर्ड यूज किए। नेक्स्ट पूछ रहा है कि रॉबर्ट मेक अकॉर्डिंग बायोडायवर्सिटी कितनी है अर्थ पे, 7 मिलियन। इसका देखो पेज नंबर 259 पर ये रहा रॉबर्ट मे और 7 मिलियन डायवर्सिटी। देख लो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आ रहा है लल्ला। देखो अब खत्म होने वाला है वीडियो, जल्दी जल्दी देखते रहो, फिर लास्ट में सरप्राइजिंग चीज बताऊंगा आपको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था उसमें किस पे कंट्रोल करना था, इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस पे कंट्रोल करना था। ये देखो पेज नंबर 283 12th की बायोलॉजी, और ये रहा मॉनिटरियल प्रोटोकॉल, और ये रहा इमिशन ऑफ ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस पे आपको कंट्रोल करना है। इस तरीके से इस चैप्टर का पूरी के पूरे नीट 2020 का चैप्टर वाइज यूनिट वाइज क्वेश्चन वाइज एनसीईआरटी के प्रूफ के साथ हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि सर शायद आपने ये आंसर गलत बताया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सबसे लास्ट सरप्राइजिंग चीज, मैंने केवल 89 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक क्वेश्चन 90 क्वेश्चन में से रह गया। देखते हैं आप में से कौन ऐसा स्मार्ट स्टूडेंट है जो सबसे पहले बता पाता है कि सर ये क्वेश्चन आप डिस्कस करना भूल गए। उसको मेरी तरफ से बायोलॉजी की एनसीईआरटी बेस्ड गाइड गिफ्ट मिलेगी। देखो अब देखो एग्जाम लेवल की बात करें तो बायोलॉजी का एग्जाम लेवल एवरेज से भी बिलो था। कट ऑफ का आइडिया है कि 585 या उससे भी अबव जानी चाहिए जनरल बॉयज की। वैसे आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, आने वाले दिनों में हम नीट काउंसलिंग उसके साथ साथ वेटनरी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक वगैरह जितनी भी स्ट्रीम है डेंटल वगैरह उन सब की काउंसलिंग पर आपको बहुत सारे वीडियो अवेलेबल कराने वाले हैं, तो उनको भी देखना ना भूले। कट ऑफ पर बहुत डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेशन, यस बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं टेस्ट सीरीज में से भी, ओल्ड ईयर एग्जाम क्वेश्चन में से भी, और कॉमन क्वेश्चन में से भी रिपीटेशन हुई है। क्या आप भी इस पेपर में मोर देन 330 स्कोर कर सकते हो? यस कर सकते हो। कैसे? सिर्फ एक तरीका है, वो तरीका है कि एनसीईआरटी पूरी आपके टिप्स पर हो। कि सर टिप्स पे कैसे होती है? बार 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 रिवीजन से टिप्स पे होना, टिप्स पे हो चुकी है आपके एनसीईआरटी। सर इस बात का प्रूफ कैसे मिलेगा? जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपकी आंखें बंद हो पर आपके दिमाग में एनसीईआरटी के उस पेज की पिक्चर बन जाए, ये प्रूफ है कि आपके एनसीईआरटी का हर पेज हर लाइन टिप्स पे हो चुकी है। कितनी बार पढ़नी पड़ेगी? कम से कम 10 बार पढ़नी पड़ेगी। ज्यादा बार पढ़ो तो और भी अच्छा। सिलेक्शन इंश्योर हमेशा बायोलॉजी करती है, मत भूलना इस बात को। डोंट रिग्रेट, फाइट फॉर द फ्यूचर। इस टॉपिक पे वीडियो बाद में बनाएंगे,
टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी और नई इंफॉर्मेशन।